हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट हम सभी की लाइफ घूमती है, मनी। इसकी कहानी हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। हमारी स्कूलिंग और हायर स्टडीज़ भी इसी को पाने का एक दौर होती है। आफ्टर ऑल वी ऑल वांट मनी। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है मनी पर कि इसके बिना हमारा सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट है। और तो और, मनी ही वो रीज़न है जिसके लिए ज़्यादातर क्राइम्स जैसे कि चोरी, रॉबरी, मर्डर वगैरह हो रहे हैं। बट इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होने के बाद भी हमें से बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से है, बिकॉज मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। चलिए बात करते हैं मनी के ओरिजिन की। अगर अर्थ पर इंसानों की प्रेजेंस को 24 घंटों में रिप्रेजेंट किया जाए तो मनी सिर्फ आखिरी के 18 मिनट में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने हमारे जीने का सारा तरीका ही चेंज कर दिया। वैसे तो पैसा किसी न किसी फॉर्म में तब से चला आ रहा है जब इंसानों ने इतिहास को लिखना शुरू भी नहीं किया था, इसलिए कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता कि ये कब स्टार्ट हुआ। आज से कम 8000 साल पहले यानी कि 6000 BC में मेसोपोटामिया के एक कबीले में चीज़ों के एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट हुआ। जिसके पास जो हो वो उसे किसी ऐसी चीज़ के बदले एक्सचेंज में दे सकता था जो उसके पास नहीं है। मतलब किसी को अगर एक बैग राइस चाहिए तो उसे एक बैग वीट देना होता था। ऐसे ही अलग अलग गुड्स के बदले कुछ और एक्सचेंज करने के सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा गया। बट इसमें कुछ खामियां थी क्योंकि इससे चीज़ों की सही वैल्यू तय नहीं हो पाती थी। साथ ही इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की भी ज़रूरत थी। मतलब अगर किसी को एक बैग वीट के बदले दो बैग टमाटर चाहिए तो उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसे एक बैग वीट चाहिए हो और उसके पास टमाटर हो देने के लिए। अब बारी आती है कॉइन्स की। लगभग 2600 साल पहले कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए। मॉनेटरी सिस्टम की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि अब साम्राज्यों का समय आ गया था, राजा महाराजाओं का समय। 640 BC के अराउंड लाइडियन किंगडम, जो कि अभी टर्की में है, वहाँ पहली बार कॉइन्स बनाए गए, वो भी गोल्ड और सिल्वर के एक एलॉय इलेक्ट्रम से। उसी समय के आसपास भारत में भी महाजनपद साम्राज्य में पहली बार कॉइन बनाए गए, जिनको पुराण या कारशापण कहा गया, जो कि सिल्वर के थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य ने अलग अलग कॉइन्स जैसे कि रौप्य रूप, स्वर्ण रूप, ताम्र रूप और शीश रूप के बारे में अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा है। हमारी करेंसी का नाम भी इसी किंगडम के सिक्के रौप्य रूप से लिया गया है, जिससे रुपी और रुपया बना। कॉइन्स के साथ साथ कई चीज़ें थी जिनको एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि सॉल्ट, डियर स्किन, वोडका, कैटल्स, हाथी के दांत वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, रोमन सोल्जर्स को उनकी सर्विस के लिए कुछ सॉल्ट यानी कि नमक पे किया जाता था ताकि उनके बेस्वाद खाने में कुछ फ्लेवर ऐड हो सके। हमारा वर्ड सैलरी लैटिन वर्ड सेल से आता है, जिसका मतलब सॉल्ट होता है। भारत में कई किंगडम्स आए और अलग अलग तरह के कॉइन्स चलाए गए। फाइनली 18th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल में बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार पेपर करेंसी प्रिंट की भारत में। जब तक 1935 में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट्स प्रिंट किए। उसके बाद प्रिंटिंग RBI के अंडर में होने लगी। 1938 तक RBI ने 5 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट्स प्रिंट किए। हालांकि सभी कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही बने, बट उन्हें भी मार्केट में RBI ही लाती है। RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग RBI सिर्फ 10,000 तक के नोट को ही प्रिंट कर सकती है और कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग सिर्फ 1,000 तक के कॉइन्स को ही इशू किया जा सकता है। बट अगर सभी नोट्स को प्रिंट करने की अथॉरिटी RBI के पास है तो क्यों RBI मनचाहे पैसे प्रिंट नहीं करती और बांट देती सभी लोगों में? चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है और किस बेस पर RBI प्रिंट करती है। पहला, रिजर्व स्टॉक्स। RBI के पास टोटल 200 करोड़ के रिजर्व स्टॉक्स हैं, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी है, जिसका मतलब 200 करोड़ की मिनिमम करेंसी RBI के पास होती है। बट सिर्फ गोल्ड स्टॉक के बेस पर RBI प्रिंट नहीं करती क्योंकि इतना गोल्ड आना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए अगली चीज़ होती है GDP प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल ईयर 2019 में भारत की नॉमिनल GDP 2.94 ट्रिलियन डॉलर की थी। अब GDP क्या होती है आपको आने वाली वीडियो में इजी वे में समझाएंगे। फिलहाल बात करते हैं GDP प्रोजेक्शन की। तो इंडिया की GDP 2.94 ट्रिलियन डॉलर की थी, इसका मतलब इंडिया में टोटल 2.94 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स मैन्युफैक्चर हुए। तो इतने गुड्स के लेन देन के लिए लोगों के पास करेंसी भी होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट ईयर में होने वाले GDP में ग्रोथ के हिसाब से RBI हर साल एक अनुमान लगा के करेंसी प्रिंट करती है। तीसरी चीज़ है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन रेट।
हमारी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के बैलेंस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कॉन्स्टेंट है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने का एक रीज़न इकोनॉमी में ज़्यादा कैश फ्लो भी होता है, यानी जितना कैश लोगों के हाथ में होगा उतनी लोगों की डिमांड होगी जो इन्फ्लेशन का कारण बनती है। इसलिए RBI कभी भी एक्सेस नोट प्रिंट करके बांट नहीं सकती, ये सिर्फ एक कंडीशन में होगा, वो है डिफ्लेशन, यानी कि जब लोगों के पास पैसा ही ना हो कुछ खरीदने के लिए, तब सप्लाई तो रहती है बट डिमांड कम हो जाती है, जिससे चीज़ों की रेट्स में कमी आने लगती है। इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए RBI ज़्यादा से ज़्यादा कैश को बूस्ट करती है इकोनॉमी में। लास्ट चीज़ है सॉइल नोट्स, यानी हर साल कितने नोट खराब हो गए, फट गए, गंदे हो गए लोगों के हाथों में जाने से, तो उनके अकॉर्डिंग भी न्यू नोट प्रिंट किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।